तो बता दे आपको कि पहले एक भद्र महिला को पटा लिया उसके बाद उससे लव कर लिया। पहले भद्र का मतलब होता सुंदर, अभद्र का मतलब कुरूप होता है। अभद्र मतलब कुरूप, अभद्र का मतलब सुंदर, तो सुंदर को पटाया था मैंने। पहले एक भद्र को महिला को पटा लिया और उसके बाद उसके साथ लव कर लिया। बाद में सबने हमें क्षमा कर दिया, चलो छोड़ जाने दो, लड़का है, पटा लिया क्या हुआ पहले मैंने एक भद्र महिला को पटा लिया, उसके बाद उसे लव कर लिया और बाद में सब हमें क्षमा कर दिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी और दूसरी बौद्ध संगीति 512 ईसा ईस्वी में हुई थी। तो ये दोनों चीज़ों को तो ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। तो पहली 300 BC में और दूसरी 512 ईस्वी में। सबसे पहले हम एक भद्र महिला को पटा लिया। तो पहले के अध्यक्ष हुए हैं स्थूल भद्र, पटा लिया यानी कि पाटलिपुत्र में हुई है। पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई है बिहार में, यानी कि स्थूल भद्र अध्यक्ष हुए हैं। तो सबसे पहले हमने एक महिला भद्र महिला को पटा लिया यानी कि स्थूल भद्र अध्यक्ष हुए, पटा लिया यानी कि पाटलिपुत्र में, उसके बाद उससे लव कर लिया, तो दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? बल्लभी में हुई है, बल्लभी गुजरात में। दूसरी बौद्ध संगीति बल्लभी गुजरात में हुई है और बाद में सब हमें क्षमा कर दिए चलो लड़का है पटा लिया क्या हुआ, सब हमें क्षमा कर दिए। तो सब देवर्धि क्षमा श्रमण, इसके अध्यक्ष कौन हुए हैं? देवर्धि क्षमा श्रमण। हम आपको बता दें कि इन्हें श्वेतांबर आचार्य का जनक माना जाता है। पहली संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। चंद्रगुप्त, हमने जब पटाया था भद्र महिला को तो गुप्त रूप से ही पटाया था ना। पहली जैन संगीति हुई है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, गुप्त यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उसके बाद दूसरी जब हमने एक भद्र महिला को पटा लिया तो गुप्त रूप से पटाया, उसके बाद उससे लव कर लिया, और लव कर लिया तो सब हमें क्षमा कर दिए। सर्व मतलब सब क्षमा कर दिए मतलब क्षमा श्रवण, और सब का मतलब सर्वसेन प्रथम। तो दूसरी जैन संगीति सर्वसेन प्रथम के समय में हुई थी। जैन संगीति की विशेषताओं के बारे में देख लीजिए कि श्वेतांबर और दिगंबर दो पंथ निकल कर आए पहली जैन संगीति में। श्वेतांबर मतलब श्वेत प्लस अंबर मतलब वस्त्र, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। इसके जनक स्थूल भद्र को माना जाता है। और दिगंबर दिक प्लस अंबर, दिक मतलब दिशाएं, यानी कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, अंबर मतलब वस्त्र, जिस दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, यानी कि जब दिशाएं को ही वस्त्र मानते हैं तो कुछ नहीं पाने के, तो जो नंगे रहते थे उन्हें इनके हैं भद्रबाहु।